कोई बता सकता है कि आज हम किस चीज के लिए मिले हैं? एनीवन? ग्रैंड लॉन्च। सो ग्रैंड लॉन्च की शुरुआत जोरदार तालियों से होनी चाहिए। चलो, so let's start। मुझे लगता है grand opening जो है या फिर जो हम कह रहे हैं grand meet, launch meet, इसके लिए बहुत ही grand तालियां बजी है। And now let me take this opportunity to welcome one and all। So एक बार जो आप सभी यहाँ पे मौजूद है उनके लिए जोरदार तालियां। ये नहीं कहूंगा कि इतने बार एंकर तालियां बजाना है तो एंकर के लिए कुछ तालियां बजा दो, वो तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। जस्ट फनी पार्ट, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी का कि आप सभी यहां पे आए इस ग्रैंड लॉन्च मीट पर। एंड व्हाट अ ग्रेट सेलिब्रेशन। हमें पता नहीं था कि इतने सारे लोग होंगे। कि नावेद सर, द रिजल्ट इज कि काफी सारे लोग अब तक तो चेयर्स के वो साइड भी खड़े हैं। सो दैट्स ग्रेट। लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस दिस नेक्स्ट स्ट्रीम इंटरनेशनल, जो यहाँ पे आप देख रहे हो लोगों। मैं सारी चीज डिटेल में नहीं बताऊंगा, मे बी आई विल रिक्वेस्ट नावेद सर फॉर दैट। एंड आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आफ्टर नावेद सर मैं बुलाना चाहूंगा मोजम सर, वो भी जो एक एक करके अनाउंसमेंट्स है वो नावेद सर कंप्लीट करेंगे। बट उस बीच मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट्रीम की जो शुरुआत हुई, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आपको पता होंगे, यहाँ पे दो साल में सभी के कनेक्शन छूट गए। मेन तो ये था कि भैया जिसको हम दोस्त समझते थे उसका भी असल चेहरा सामने आ गया। आया कि नहीं आया? वनिता का ज्यादा यस आ गया। हाँ, हेल्थ से दूरी बात है। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं जो हमारे सामने इन दो सालों में आए। और इस दो साल में हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी एक पुश की, एक ऐसी चीज की कि जिसके वजह से हम वापस अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस गेन कर सके। चलो धंधा तो दूर की बात है, बिजनेस तो दूर की बात है, पर इंसान को सबसे ज्यादा अहमियत होती है कि हमें कोई तो एक पुश प्रोवाइड करे। और फिर पुश के साथ साथ थोड़ा बहुत कनेक्शन, थोड़ा बहुत बिलीव। अब आप मुझे बताइए, जिन जिन लोगों ने ऑनलाइन मीट्स अटेंड की है, एक बार आप हाथ ऊपर कर दीजिए। मैं तालियां बजाने में नहीं कहूंगा, डोंट वरी। ओके, जोर से ऊपर से हाथ ऊपर उठाइए कॉन्फिडेंटली। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो बचे हुए जितने हैं विजिटर्स, मैं चाहूंगा विजिटर्स जिन्होंने एक भी यहां पे मीट अटेंड नहीं की ना ही ऑनलाइन, वो प्लीज एक बार खड़े हो जाए। विजिटर्स जिन्होंने आज तक ऑनलाइन नेक्स्ट स्ट्रीम की मीट अटेंड नहीं की, यस दैट्स ग्रेट। सो हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल दीस पीपल, क्योंकि थैंक यू सो मच। बट आज हम सभी एक फैमिली के तौर पे यहाँ पे आए हैं, एंड टुडे वी आर अ रियल पार्ट ऑफ वन फैमिली। इसकी शुरुआत के पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा जिन्होंने ये नेक्स्ट स्ट्रीम की कल्पना सत्य में उतारी, दैट इज मिस्टर नावेद शेख जो हमारे साथ है। मैं उनके बारे में थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा, एंड देन आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट नावेद सर टू प्लीज डू वॉक ऑन द स्टेज। बट
नावेद सर के बारे में जैसे कि आप सभी जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज भी नहीं जानते, तो वो जो चीजें हैं नावेद सर के बारे में वो मैं यहाँ पे आके बताना चाहता हूँ. ही इज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ सुपर पावर अलायंस, जैसे कि आप काफी सारे लोग यहाँ पे जानते हैं. शॉपर्स जो अगेन दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स. सो नावेद सर ने तीन यहाँ पे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स खड़े किए, वन इज एसपी, वन इज शॉपर्स एंड वन इज नेक्स्ट्री, दैट इज टुडे. उसके साथ साथ उसके पहले जो मैं उनको जानता था, दैट वॉज ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन. ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन वॉज एन एनजीओ एंड वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है. लॉकडाउन के चलते मुझे लगता है कि 1 लाख से ज्यादा फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव कंप्लीट की गई. इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, प्लीज करेक्ट मी. 5 लाख से ज्यादा. उसी के साथ साथ कई सारी चीजें जैसे ब्लैंकेट डोनेशन ड्राइव, कुछ जरूरतमंदों के लिए कुछ एक्टिविटीज क्रिएट करना, ऐसी कई सारी चीजें हुई. उसी के साथ साथ नावेद सर उनका जो जन्म है, किसी को पता है डेट, बर्थ डेट? माने सर फेसबुक को पता है. ओके, उनसे ही सुन लेते हैं. सर प्लीज. 18 अगस्त. आप बराबर बोल रहे हैं. 18 अगस्त 1983. That's great. That's great. So that was the birth of Naveed Sheikh, and there's a promising personality with his big vision, different style of working has brought social work and referral networking B2B and B2C concepts to all together different level. एक अलग level पे वो लेके गए हैं. कुछ अचीवमेंट्स है जो नावेद सर के है जो मैं यहाँ पे रीड करना चाहूंगा. ही स्टार्टेड अ मेजर मील फूड एंड ग्रेन डोनेशन ड्राइव ड्यूरिंग COVID-19 पैंडेमिक सिचुएशन, वेयर अंडर दिस इनिशिएटिव वी गैदर्ड ऑल द सोशल एक्टिविस्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन. हम यहाँ पे एक आदमी अगर जुटाना चाहे तो बहुत बड़ी मुश्किल होती है. इन्होंने सारे एक्टिविस्ट्स को एक्टिवेट किया. सो दैट वॉज अ रियली गुड थिंग. We started Saksham Bharat Abhiyan, which is a unique concept by which free education can be given to all children who are not getting education. He created Mastermind format, which is a people-to-people format, which can be very easily followed by everyone who wants to start giving free education to needy students of their areas. He is training people to start HEAL. अभी ये HEAL क्या है? ये बहुत ही important चीज है. That is HFF Education and Learning Centers, which connects similar-minded social workers of the area to give free education to all children. Being founder of HFF with multiple social activities with him, he still personally goes in slums every week with his dedicated team to teach underprivileged children for giving them free educations. अब मैं चाहूंगा कुछ अचीवमेंट्स है जो नावेद सर की है जो मैं रीड करना चाहूंगा. अलॉटेड फ्री ब्लड बैग्स इन मोर देन 600 इमरजेंसी केसेस. इसके लिए तो डेफिनेटली नावेद सर, मुझे नहीं पता कि आप कितने लोगों को ये बताते हो कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, लेकिन ये 600 लोग जरूर आपकी याद करेंगे और कहेंगे कि हमारा खून का रिश्ता है. So I have a big round of applause for our giving employment to many unemployed people, connects to many businessmen and a strength to the weak. And that is Naveed Sheikh with us, standing strongly with us. And Naveed sir, thank you so much for being able to clap for us. We initiated many drives, supported many old age homes. यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए काम किया है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी लोगों के लिए काम किया है और गरीब से लेके जरूरतमंदों तक सारे तबके के लोगों के लिए इन्होंने काम किया है. मुझे पता नहीं, जब पेंडेमिक चल रहा था तो कई सारे लोग फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे थे, उनमें से मेरे भी पहचान के कई सारे लोग थे. एंड नावेद सर को मैंने देखा है, व्हेनेवर एनीवन इज डाउन विद एनी थॉट्स, He has always stood. वो बोलते हैं ना कि आज बहुत ही
अनफॉर्चुनेट चीज है जो इंडिया में आई है दैट वाज फर्स्ट इनिशियली मोस्ट ऑफनली हैपनिंग इन वेस्ट साइड्स दैट इज सुसाइड या फिर फ्रस्ट्रेशन में चले जाना. इंडिया में अनफॉर्चुनेट है कि ये आ गया था 2 साल के लिए, बट उस सिचुएशन में भी नावेद सर ने एक स्टैंड लिया. उन्होंने अपने ऑफिस का टाइम स्लॉट डेडिकेट किया एंड आई गेस ही वर्क 24/7 जो मैंने देखा है. एंड मुझे लगता है इस चीज के लिए एटलीस्ट कि काफी सारे लोगों के अंदर दिल के अंदर दबी हुई छिपी हुई चीजें होती है, बातें होती है, वो बाहर निकलना, उनका सोल्यूशन देना. एक लिसनिंग फिगर जिसे हम कहते हैं, कोई सुनता है मेरी, तो वो है नावेद सर. सो आई हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नावेद सर. और भी
जब मैं इवेंट करता तो लोग सोचते अगर इससे मेरा पुराना फेसबुक खुदा वगैरह रहेगा यार, ये इतने सेलिब्रिटीज को जानता है, डिग्रीटीज को जानता है, किस किस को जानता है, अपने लॉन्च में किसको बुलाता क्यों नहीं है? कभी कभी टॉन्ट भी मारते मुझे लोग, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लॉन्च में सिर्फ लॉन्च हो, लोगों को समझे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और क्या है, अपनी खुद ही थोड़े बहुत सेलिब्रिटी खुद ही बनते हैं हम लोग, तो मजाक कर रहा हूँ, जस्ट जस्ट जोक। मैं ट्राई करूंगा सीरियसली रहने का इस पूरे मीटिंग में, लेकिन बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है, और मुझे लगता है इंडिया नहीं पूरी दुनिया में इस तरीके की फॉर्मेट किसी ने एक्सपेरिमेंट किया नहीं है। जब मैंने सुपर पावर अलायंस शुरू किया और पिछले 3 साल होने आ गए, सुपर पावर अलायंस की तरह और भी मार्केट में वही सेम फॉर्मेट बहुत सारी कंपनी चला रही है, लेकिन एक बात बोलता हूं, खुल के बोलता हूं, ओपनली बोलता हूं, जो स्टाइल से, जो अपनेपन से सुपर पावर अलायंस ने फॉर्मेट चलाया है, पूरी दुनिया में कोई नहीं इसको चला सकता, वो एकदम क्लियर है, कोई उसका वो भी फीलिंग आई सकता। और एक स्पेशल एआई हुई इस एसबीए और उसके अलावा जितनी भी दुनिया में कंपनीज है वो सारे एक ही सिंगल फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, जबकि उसके अलावा कोई सोच ही नहीं रहा कि और कौन से फॉर्मेट आ सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जरूरत है दूसरे फॉर्मेट की, क्योंकि वो उस फॉर्मेट में नहीं आ सकते, तो उनका क्या? तो मैं हमेशा उन्हीं पे सोचता हूं कि भाई कैसे घर घर तक चीजें पहुंच सके कहीं ना कहीं। सो स्टार्टिंग विद, खुल जा भाई, खुल जा, वेरी गुड, वेलकम टू द लॉन्च ऑफ नेक्स्ट स्ट्रीम इंटरनेशनल। आज की डेट भी बहुत अच्छी है, 2022, मतलब ये डेट बहुत लंबे कई 100 सालों में एक आध बार आती है, और उनका नंबर्स मैच भी हो रहा था कहीं ना कहीं। नेक्स्ट स्ट्रीम किस चीज पे बेस्ड है? ये प्रेजेंटेशन 40-45 मिनट का होगा, लेकिन बहुत कुछ आपको बताएगा नेक्स्ट स्ट्रीम के बारे में। नेक्स्ट स्ट्रीम बेस्ड है मेरे खुद के थॉट प्रोसेस पे, जो बिलीव करता है स्ट्रॉन्गली कुछ कॉन्सेप्ट पे। वो कॉन्सेप्ट है फ्रीडम, इक्वलिटी एंड इंफिनिटी। मैं फ्रीडम का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ, मुझे लगता है कि लाइफ में सबसे बड़ी चीज होती है फ्रीडम, अगर फ्रीडम नहीं है ना कुछ भी नहीं है। उसके बाद है इक्वलिटी, हर एक को मौका मिला है। इक्वलिटी का मेरा मीनिंग है कि हर एक को मौका मिलना चाहिए, मतलब भले वो गरीब हो, अमीर हो, बहुत बड़ा आदमी हो, बहुत छोटा आदमी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रांत का हो, ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे कोई ज्यादा खुलते ना स्कोप की चीज होगा, लेकिन अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए हर एक को मौका मिलना चाहिए। तीसरा, अगर किसी ने जॉब किया रहेगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मीनिंग है, अगर तुमने नेक्स्ट स्ट्रीम का नाम गौर से सुना है तो उसमें गौर से देखा उसमें एक्सट्रीम वर्ड आता है और एन आता है स्टार्टिंग में, और उसमें 3-4 चीजें तुम फिट कर सकते हो एन में। वैसे मेरा नाम भी आता है, लेकिन वो मेरे नाम से नहीं बनाया हुआ है। नेक्स्ट स्ट्रीम में पहले एन ही आता है, उसको नेक काम से भी जोड़ सकते हो, नेक काम एक्सट्रीम लेवल पे करो। दूसरा है नेटवर्किंग का एन ई ले लो और एक्सट्रीम पर जाके करो, एक्सट्रीम मतलब एकदम हद पार करके करो। और क्या होता है नेक्स्ट, कि आप जो भी नेक्स्ट करने जा रहे हो लाइफ में बड़ा काम, उसको एक्सट्रीम पर जाके करो। तो इसको मिला के ये एक्चुअली कोई वर्ड इस दुनिया में आया नहीं, ये खुद का इजाद किया हुआ है एक्सट्रीम जो है, एंड इसलिए उसको बीच में इंफिनिटी का मॉड्यूल करके बनाया गया ताकि ये प्रिंसिपल पे हम लोग चले। नेसेसिटी इज मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। आज हम लोग यहां पे बैठे हैं, बल्ब जल रहे हैं, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है। एक बल्ब बनाने के लिए आपको पता है हजारों बार एक्सपेरिमेंट्स किए गए और फेल हुआ, लोग हंसते जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेरा प्रेजेंटेशन भी सुन के मन में काफी लोग बोले गए क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वैसे यहां नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सबने मेरे कांड देखे हुए, लेकिन फिर भी जो बाहर वीडियो देखी उनको लगे तो बोल रहा है, लेकिन मुझे पता है मैं कर लूंगा, मैं इतना ढीठ आदमी हूं मुझे मालूम है। So I know कि मैं जो बोल रहा हूँ, I will be doing that, और मेरे जैसे कुछ पागल और भी गए हैं पहले, जैसे मैं तो उनके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जैसे मैंने बल्ब की बात की, ठीक है, तो अगर एडिसन बल्ब नहीं बनाते, 10,000 बार ट्राई नहीं करते, इतने बार फेल नहीं होते, तो आज हमें किसी को लाइट देखने कभी नहीं मिलती। तो इसलिए नेसेसिटी ना, जरूरत जो होती है वो इंसान को सोचने में लगा देती है कि इनकी जरूरत कैसे पूरी की जाए, उससे इन्वेंशन होती है। तो ये जो नेक्स्ट स्ट्रीम के फॉर्मेट में बताने जा रहा हूँ, कितने फॉर्मेट की किसी को अंदाजा है, जितने एक लोग नहीं देखा रहेगा, कितने फॉर्मेट्स बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को, कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, कितने हो सकते हैं?
जैसे जैसे फॉर्मेट आगे जाते रहेंगे आप लोगों को इंटरेस्ट और बढ़ता रहेगा। वैसे डरो मत, ये प्रेजेंटेशन 45-50 मिनट्स के ऊपर नहीं रहेगा, लेकिन आप लोगों का इंटरेस्ट डेफिनेटली बढ़ेगा जैसे जैसे चीजें स्लाइड्स आगे जाएंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो काफी सिमिलर चीजें दिखेंगी, लेकिन जैसे स्लाइड्स आगे जाएगी आपको बहुत कुछ अलग अलग दिखने लग जाएगा। सो नेसेसिटी थी हमारे देश में, देश के बाहर भी सब जगह लोगों को कि भाई नेटवर्किंग सबको करना है, लेकिन किसी रीजन से लोग नहीं कर पा रहे थे। मार्केट में पहले पॉइंट पे आता हूं, दो टाइप के बिजनेसमैन हैं। पहला बिजनेसमैन वो है जो एक सिंगल बिजनेस करता है, जो मल्टीपल बिजनेस में हाथ नहीं डालता है, और दूसरा कैटेगरी है जो मल्टीपल बिजनेस करता है, मतलब चार बिजनेस है, किसी के तीन है, तीनों चल रहे हैं, किसी के सात आठ भी है ना भाई। ऑलराउंडर अलग होते हैं और एकदम बैट्समैन और बॉलर लोग एकदम अलग होते हैं। सचिन तेंदुलकर अलग है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी भी तो है, विकेट कीपिंग करके भी तो वो बैटिंग कर रहा है, बराबर। दुनिया में हर टाइप के लोग हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म जितने भी बने हैं, आप लोग बताओ किसी भी प्लेटफॉर्म का मैं नाम नहीं लूंगा इंक्लूडिंग SPL, वो किस किस कैटेगरी के लिए बने? दोनों के लिए बने क्या? एक के लिए, खाली एक के लिए बने, जिसका सिंगल बिजनेस है। अब जिसका मल्टीपल बिजनेस हो क्या करेगा? वो झूठ बोल के एंट्री करेगा कि भाई मैं खाली ये प्रोफाइल के लिए एंट्री कर रहा हूँ, बाकी बिजनेस में प्रमोट नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि प्रमोट नहीं करेगा? इम्पॉसिबल। वन टू मंथ में बात निकल ही जाती, प्रमोशन हो जाता है, तो स्कीम का क्या हो जाएगा? भजिया भजिया ही होगा ना, क्योंकि भाई तुम एक आदमी का चार प्रोफाइल बता रहा है, ऑलरेडी तीन किसी और का है, तो अंदर कॉन्फ्लिक्ट होंगे, प्रॉब्लम होंगे। ये कैटेगरी है। अब मार्केट में एक और कैटेगरी है जहाँ पे कोई ग्रुप ही नहीं बिजनेस के, उनका क्या करेंगे? मतलब बहुत अलग 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 वेरिएंट्स के लोग हैं, तो उसके सॉल्यूशंस निकालते हुए नेक्स्ट थिंग का ध्यान आया। अब क्योंकि सुपर पावर अलायंस इतना बड़ा ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुका है, बड़ी बड़ी पुरानी कंपनी से इंटरनेशनल कंपनी को कंपेयर किया जा रहा है इतने कम टाइम में, तो मैं उसको टच नहीं करना चाहता था, जो उसका एक बहुत ना स्टेटस बन गया है, उसमें एक्सपेरिमेंट करूंगा। पहला हार्ट अटैक तो मेरे इन्वेस्टर्स को ही आ जाएगा कि भाई इतने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पता नहीं कंपनी का क्या हो रहा है, कल बंद हो जाएगी, परसों बंद हो जाएगी, ऊपर से मेरा भी ब्रेड एंड बटर वही है, तो उस पे मतलब मैं टच नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी एक लेवल पे पहुंच चुका है, वो बना ही था ये बोल के कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे चलेगा, और मैं अपने बातों से अपने वर्ड से पीछे नहीं हटूंगा। अब ये जो भाई बना है ना, इसका कोई लिमिट नहीं है, ये बना ही एक्सपेरिमेंट के लिए, ये पहली दुनिया की चीज होगी जो एक्सपेरिमेंट के लिए बनाई गई। सो देखते हैं कि इसके फॉर्मेट कौन कौन से सोचे गए हैं और क्या क्या होने वाला है आगे। ये अच्छा है, सस्पेंस और क्रिएट कर देते हैं एकदम मस्त। व्हाट एग्जैक्टली इज नेक्स्ट्रीम? नेक्स्ट्रीम इंटरनेशनल इज अ यूनिक कंपनी व्हिच हैज इनफाइनाइट नेटवर्किंग फॉर्मेट फॉर अनलिमिटेड बिजनेस नेटवर्किंग। लेट्स सी इट्स फीचर एंड अंडरस्टैंड हाउ इट इज यूनिक फ्रॉम अदर अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स ऑफ नेटवर्किंग। सबसे पहला फॉर्मेट बताता हूं, टोटल 30 फॉर्मेट्स है, तो आप लोग माइंड में रेडी रहो, इसलिए मैं बता दे रहा हूं पहले से। ऑफलाइन ओपन कम्युनिटी, हम लोग ने अभी तक देखे वो बिजनेस ग्रुप्स देखे हैं किसी भी कंपनी में जो 50-60 लोग के होते हैं या 65-70 के। कम्युनिटी डिफरेंट होता है, कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट होता है, 150-200 लोग की होती है जो एक पूरी कम्युनिटी होती है। ऑफलाइन ओपन कम्युनिटी में क्या होगा? ऑफलाइन मतलब डायरेक्ट मीटिंग हो रही है, ओपन मतलब इसमें कैटेगरी का सिस्टम ही नहीं है, इट्स लाइक एन ओपन मार्केट। अच्छा, आप लोग एक मार्केट में जाते हो, वहां पे देखो एक ज्वेलर की दुकान है, दो दुकान बाजू में वापस एक ज्वेलर की दुकान है, ऐसे चार ज्वेलर की दुकान पूरे लाइन में है और चारों का बिजनेस चल रहा है, बॉस किसी का बिजनेस नहीं, क्योंकि क्राउड है। उसी तरह यहाँ पे क्राउड है, यहाँ पे ओपन मार्केट है। हो सकता है आपके टीम में चार चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेकिन सब पे प्रेशर भी आ गया कि मैं काम नहीं करूंगा तो दूसरे दो अंदर बैठे हैं। अच्छी बात है कि अब सबको जो मल्टीपल बिजनेस करते हैं वो सीधा ये ऑफलाइन ओपन कम्युनिटी आ जाए, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कितने भी बिजनेसेस प्रमोट किए जा सकते हैं डायरेक्टली। फॉर्मेट टू, ऑफलाइन क्लोज कम्युनिटी, ये हमारे यहां सबने देखा है, ये 30 में से खाली ये एक ही चीज है जो हम लोग ऑलरेडी सालों साल देखते आए, जैसे हमने SPA का फॉर्मेट और बाकी लोग का है, तो 30 में से एक आध मतलब 3-4% से ज्यादा ये होने वाले नहीं है। ये देखा जाए तो बेसिकली क्योंकि हमें पूरा 100% कवर करना था, इसलिए हम लोग ने ये ऑप्शन रखा भी नहीं, कोई ऑप्शन चाहे रहता भी नहीं, क्योंकि नेक्स्ट टीम का मीनिंग है जो A से लेकर Z तक कवर करेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये मतलब ऐसा है कि मतलब बोलते हैं हमारा लास्ट ये रहेगा कि भाई हुआ तो ठीक है, बाकी फोकस बाकी चीजों पर रहेगी ज्यादा ज्यादा। फॉर्मेट 3, ऑनलाइन ओपन कम्युनिटी, अब ये इंटरेस्टिंग हो रहा है।
अब यहाँ पे ऑनलाइन में क्या हो जाता है, एक बंदा जुड़ा है, कोई इधर है जो नवी मुंबई के बाहर से आया है, काफी सारे आए, कहाँ कहाँ से आए मैम आप लोग बताएंगे? उल्लासनगर, अंबरनाथ, औरंगाबाद, औरंगाबाद से है, साउथ मुंबई, उधर पुणे से, साउथ मुंबई। गाइस ये तो भी शुरुआत है, जुहू, यस गाइस ये तो शुरुआत है। जब हम नेक्स्ट की टेस्टिंग मीटिंग्स ले रहे थे तो काफी अलग अलग जगहों के लोग हमने देखा, हमने दिल्ली के लोग देखे, हम लोग ने अलग अलग स्टेट्स के देखे, इनफैक्ट कुछ कुछ लोग दुबई के भी आए थे उसमें, ठीक है। तो ऑनलाइन में क्या फायदा हो गया, एक बटन दबा के आप उन सबसे कनेक्ट हो सकते हैं, जो बंदा यूके में भी बैठा है, यूएस में भी बैठा है। अभी तक जो ऑनलाइन मीटिंग सारे कंपनीज की हो रही थी मजबूरी में हो रही थी क्योंकि कोविड था, एक्चुअली वो ऑफलाइन फॉर्मेट है, लेकिन ये तो फॉर्मेट ही ऑनलाइन है। नेक्स्ट्रीम मोस्टली जो है, बड़े ध्यान से सुना है, मोस्टली ऑनलाइन ही चलेगा, ज्यादातर डिजिटल ही चलने वाला है, उसमें जो मैक्सिमम फॉर्मेट है वो डिजिटल पे ही है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और वो ज्यादा से ज्यादा ओपन है, मतलब क्लोज कम्युनिटी वाला फंडा नहीं, एक बिजनेस का एक आ सकता है, वो जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके अलावा अगर कॉन्सेप्ट हो सकते हैं तो निकाला क्यों नहीं जाए? दाल चावल अच्छा है, लेकिन बाकी खाने की चीजें क्यों नहीं लॉन्च की जाए, अगर वो भी लोगों को पसंद आ सकती है तो, राइट? मतलब सबको सब चीज मिलनी चाहिए उनके रेंज में जाके। सो ऑनलाइन ओपन कम्युनिटी बनाई, इसका फायदा क्या है कि आप पूरे इंडिया में नेटवर्किंग कर सकते हो बैठ के, वो भी ओपन तरीके से, कोई कैटेगरी का फंडा नहीं, कितने भी बिजनेस बता सकते हो, जिसको बाहर भी करना है वो बाहर के लोग भी को ऐड होकर धीरे धीरे। तो ये उस तरीके से जाता है, नीचे लिखा हुआ है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी। ऑनलाइन क्लोज्ड कम्युनिटी जहां पे वही सिंगल बिजनेस प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन बेसिस पे, मतलब यहाँ दूर दूर के लोग कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे एक जगह के नहीं हो रहे, ये डिफरेंस है। यहाँ पे कोई भी कनेक्ट हो रहा है कहीं से, लेकिन वैसे लोगों को ज्यादातर प्रमोट किया जाएगा, जो मतलब बिजनेस वो वाला प्रमोट करे जो ऑनलाइन चलता हो, जिसके चांसेस हो चलने के। फ्यूजन ओपन कम्युनिटी फॉर्मेट, ऑफलाइन ऑनलाइन मिक्स चलेगा ये। काफी लोग है जो सारी मीटिंग नहीं आ सकते, लेकिन उनको ऑफलाइन भी चाहिए ऑनलाइन भी चाहिए, तो हमने जो ओपन फॉर्मेट है हमारा कम्युनिटी का, जिसमें सारे बिजनेसेस मल्टीपल बताए जा सकते हैं, उस पर हम लोग फ्यूजन फॉर्मेट भी ला रहे हैं, मतलब इसमें एक मीटिंग ऑनलाइन होगी, एक मीटिंग ऑफलाइन होगी। सेम हमने क्लोज्ड पे भी किया है, क्लोज फॉर्मेट पे भी हम लोग ने ऑनलाइन ऑफलाइन को ऑप्शन दिया, उस तरह के ग्रुप बना रहे हैं। चैट कम्युनिटीज, बहुत चैटिंग की आदत है ना सबको, 250 लोग इस चैट कम्युनिटी में हो सकते हैं, बहुत ही बिगर सा प्राइस होगा, ना के बराबर प्राइस होगा, खाली वो लोग अंदर चैटिंग ही कर सकते हैं, उसके आगे कुछ नहीं है, मतलब इफ दे वांट समथिंग दे वांट टू कनेक्ट, उसमें कोई यही नहीं है, सिस्टम ही नहीं, मीटिंग का फंडा ही नहीं, सिर्फ चैट करो भाई और बस उससे काम चला रहा है। ये उनके लिए बहुत अच्छा है ना, जो लोग मतलब बोलते हैं ना मीटिंग्स वगैरह में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन कनेक्ट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, काफी लोग है जो नहीं कंफर्टेबल है या फिर नहीं टाइम मिल पा रहा है, तो ये चैट कम्युनिटीज बनेगी। ऑलरेडी नेक्स्ट्रीम के दो ग्रुप लॉन्च हो चुके हैं, एक दोनों ओपन ग्रुप है, मतलब जिसमें कैटेगरी का सिस्टम नहीं है, एक ऑनलाइन है ग्रैंडियोस, जिसके लास्ट में मैं कुछ अपॉइंटमेंट्स भी करने वाला हूं, और एक ऑफलाइन है रेडियंस, जिसके ट्यूसडे इवनिंग को मीटिंग होने वाली। अब टाइमिंग भी देखो अजीब सा है, सब लोग मॉर्निंग रखते हैं, ये नेक्स्ट टीम मैं वीडियो में बोल रहा हूँ बात, वो सारी चीज करने वाला जो लोगों ने इमेजिन नहीं की थी, हम लोग हो सकता है कुछ सालों में मिडनाइट ग्रुप भी खोल देंगे, लेकिन उसमें बिजनेस की बातें होगी, डोंट वरी। काफी लोग होते हैं जैसे हमारे सुजीत जी जिनको रात में नींद नहीं आती है, बराबर, तो आपको भी कहती मुबीन भाई को, तो काफी लोग हैं जो रात की खिलाड़ी के रात के 3-4 बजे मीटिंग कराएंगे उनकी, लेकिन आई एम डूइंग एवरी पॉसिबल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मुझे पता है एक्सपेरिमेंट से क्या मिलना है। अब आगे जाते हैं, वन टू वन कम्युनिटी, खाली पूरे महीने में एक ऑनलाइन मीटिंग होगी बस, वो भी आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ, खाली वन टू वन ही करते हैं। ऑनलाइन में फॉर्मेट हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, बट सिर्फ वन टू वन के लिए बनते हैं, जिनको बस वन टू वन ही करना है, जिनको मतलब दे डोंट वांट टू अगेन एंड अगेन कम, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन निकाला कहीं ना कहीं। इंटरनेशनल ऑनलाइन कम्युनिटी,
Entrepreneurs of different countries will connect with each other for global networking. English language is understood in most of countries, and hence speaking English language will be important criteria to be in this community. इसमें अलग-अलग countries के लोग लिए जाएंगे जिनको English समझती है, इंग्लिश बोल सकते हैं, और ये अलग-अलग लोगों को connect करेगा अलग-अलग countries में. मतलब ये एक कंप्यूटर की बटन पर, देखो कोविड ने ना लोगों को सिखा दिया कि ऑनलाइन कैसे जाते हैं. उसके पहले ना ये मुझे भी सोचना डिफिकल्ट होता, लेकिन अभी मैं सोच नहीं रहा, इसलिए मैंने सोच लिया. मुझे काफी लोग बोलते भी सर क्या करते बैठे हो, जब भी आप कुछ करने निकलते लोग कॉपी मार देते, बेशरम खा ले. सीरियसली 11-12 एनजीओ बन गए हुए एचएमएस से, एसपीए बना उसके बाद भी तो बच्चा ही बेचारा उसमें भी एक दो लोग ने कॉपी मार दी. लेकिन मेरा एक पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना, मैं सारी चीज ओपनली बता रहा हूँ, ये वीडियो भी डालने वाला हूँ मैं, बिंदास डालने वाला हूँ. एक चीज याद रखना, मैं क्यों बिंदास करता हूँ मेरे काम, मैं ये बता रहा हूँ जिसको ट्राई करना है बिंदास करे, ये तो मेरे से गाइडेंस भी लेकर. लेकिन जो पीठ पीछे करते हैं या जो बुराई करके करते हैं, जो हमारी टांग खींचने के लिए करते हैं, उनको मैं एक बार स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, तुम मधुमक्खी का छत्ता चुरा सकते हो, उसकी शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकते. जो मेरा नॉलेज है, और मैं कदम खाती बहुत करता हूँ, रिसर्च बहुत करता हूँ,
पूरे इंडिया में जो सबसे बड़ी कंपनी है उसमें 50,000 मेंबर है, उससे ज्यादा नहीं है। और बाकी सबके मिला भी लोगे तो 60-70,000 के ऊपर नहीं है, मतलब सब मिला दोगे तो 1.25 लाख के या 1.5 लाख के ऊपर मेंबर नहीं है किसी भी सारे ग्रुप में मिला के, इंक्लूडिंग ऑल द ग्रुप्स। अब 140 करोड़ का 10% कितना होता है? इंडियंस 140 करोड़ का 10% होता है 14 करोड़, उसका मतलब 1% हुआ 1.4 करोड़। और कितने लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं? 0.0001% घर में बैठ के शर्म आ रही है तो कल एडवर्टाइजिंग ग्रुप में आ जाओ, नहीं जब मैं वीडियो ले लो डालो, हर एक चीज को ऑप्शन दे दिया। मतलब इससे इतना सा भी आग होगा ना, इतना सा भी वो भी नेटवर्किंग करना शुरू कर पाएगा आने वाले कुछ टाइम में। स्पेशल सपोर्ट कम्युनिटी बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा इसमें आप लोग देख रहे हो एक बात, ग्रुप कैसे लिखा है, सब कम्युनिटी बेसिस पे चल रहा है। स्पेशल सपोर्ट कम्युनिटी क्या हो सकता है? बहुत सारे, बहुत ध्यान से सुनना है, हमारे इंडिया में बाहर बहुत सारे बेचारे ऐसे लोग हैं जिनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। रिसेंटली जैसे मैंने देखा था, अगर किसी के चेहरे पर तेजाब मार दिया गया तो लोग उसको इंक्लूड नहीं करते, किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी है तो लोग उसको इंक्लूड नहीं करते, किसी की अगर सोच समझ थोड़ी कम है तो लोग उसको इंक्लूड नहीं करते, कोई ट्रांसजेंडर है तो लोग उसको इंक्लूड नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए जो भले फिजिकली डिसेबल्ड हो या कुछ भी प्रॉब्लम में हो या किसी भी तरीके से हो, उनके लिए एक स्पेशल सपोर्ट कम्युनिटी ग्रुप बनाए गए हैं। और ये ग्रुप मैं पब्लिकली कह रहा हूं कंप्लीटली फ्री होंगे, एक टाइम बाद जब वो खुद से आकर हमें कहते हैं कि सर अभी हमारा रोटेशन आ गया, भले 2 महीने बाद है, 2 साल बाद है, 10 साल बाद है, तब हम उनसे फीस लेना शुरू करेंगे जितनी हमको जमती होगी, पर फीस भी नहीं बनेगी। क्यों ले रहे? ताकि उनको ये फील नहीं हो कि आपको डाल दिया जा रहा है, ताकि उनको फील हो कि नहीं भाई हम अपने इस पर आ रहे हैं। लेकिन अगर इसके पैसे नहीं होंगे देयर बी अलाउड टू गो देयर, बट ऐसा नहीं क्योंकि पैसा है खुद आके जाके बोल रहा है मेरे, बोलते ना उधम खादी वाली टीम भी बहुत खतरनाक है, तो वैसे वाले कैटेगरी भी नीचे, मतलब बहुत दिल से मैंने इस चीज को स्टार्ट किया, बहुत मेहनत करती है एक ग्रुप चलाने में। और अगर मैं फ्री कर रहा हूँ खाली एक स्पेशल कम्युनिटी के लिए, तो मैंने उनको देखा है स्ट्रगल, लोग नहीं इंप्रूव करते, दैट इज वेरी बैड। वो एक स्ट्रगलिंग टाइम से भी जा रहा है ना, बहुत बुरी हालत में है, ही कैन कम हियर, आई टेक इट, नो वरीज। तो ये बहुत बड़ा कैटेगरी है जिसको बेचारे लोगों को कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि उनको मतलब बोलते ना इंक्लूड ही नहीं किया जा रहा था, कोई लेने को तैयार नहीं था, एंड दैट वाज वेरी बैड। लेकिन अब है ऑप्शन है, अपना नेक्स्ट वीक लेगा, हर एक को लेगा, डोंट वरी ऑन दैट। एग्जीबिशन कम्युनिटी, कुछ लोगों के बिजनेस मैंने अभी एग्जीबिशन जब हमने रखा भी तो देखा, कुछ लोगों के बहुत धनाधन बिके, और वो लोग रुके हैं बार बार पूछते टोस्ट मारते रहते कब कब एग्जीबिशन, मतलब बार बार थोड़ी एग्जीबिशन कर सकते, अपना अलग फॉर्मेट है, कभी कभार किया जा सकता है। अब मैंने उनके लिए कम्युनिटी बना दी और एक्चुअली बिकता है, बहुत फास्ट बिकता है, मतलब इस ग्रुप में जो जुड़ेगा वो वही लोग जुड़ेंगे जिनके फास्ट प्रोडक्ट बिकते हैं एग्जीबिशन में, जिनको पता है कि बिकते हैं, और हर महीने एग्जीबिशन होगा उनके। और एक बड़ी बात कि नेक्स्ट टीम की टीम जो कोर टीम होगी वो दूसरे एग्जीबिशंस जो हो रहे हैं वहां से टाइप करेगी, निगोशिएट करेगी, बोलेगी कि भाई हमारे 20 स्टॉल एक साथ लगने वाले हैं, हमारा इतना बड़ा ब्रांड है, कंपनी है, हमें कम में कर दो। तो हमारे बंदों को क्या हो जाएगा कि वो इनको अगर बाहर 20,000 भरना पड़ा था तो नेक्स्ट टीम के थ्रू 12,000 में उनकी एंट्री हो गई, और नेक्स्ट टीम का जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो ये सिर्फ एग्जीबिशन जो करते हैं ना उनके लिए बनाया गया है, स्पेशली उनके लिए डिजाइन किया गया है ये चीज। देखो मेरे फादर यहाँ पे, मैं बचपन से नहीं बोलता था, मेरे को चाचा फादर की ऑफिस में पढ़ने दो, उन्होंने पढ़ने दिया, उन्होंने मुझे पढ़ाई वढ़ाई पे कभी ढकेला नहीं, तो उसके थोड़े बहुत कार्टून आइडियाज निकाल निकाल के हम लोग चीजें ट्राई कर रहे हैं। टेलीग्राम एक्सचेंज कम्युनिटी, टेलीग्राम में लिमिट नहीं होता है, पता है कितने भी लोग आ सकते हैं, 2 लाख लोग एक ग्रुप में आ सकते हैं। अब ये भी अगर वो ग्रुप है जिसको कुछ करना नहीं है, इसको कुछ चाहिए तो बस मांगे या किसी को देना है तो दे दे, एक टाइम होगा, टाइम फ्रेम होगा दिन में,
जिसमें ओपन कर दी जाएगी विंडो कि भाई आपको जो मांगना है मांग लो, जो देना दे दो, जस्ट आस्क एंड गिव के लिए होगा, सोल पर्पस ऑफ आस्क एंड गिव। और फिर इसमें एडवर्टाइजिंग भी रहोगी, बहुत मीगर प्राइस होगा, लेकिन अगर किसी को चाहिए, कल को कोई मरता रहा, कोई कनेक्ट मिल गया तो बड़ी बात है ना भाई, या किसी को कोई बड़ी चीज मिल गई कनेक्शन जो उसको बिजनेस के लिए बढ़ाने के लिए, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर हिम। अच्छा बीच में पूछ लूंगा सब पहचान के लोग हैं, बड़ी मेहनत से मैंने बनाया है, तो ध्यान देना। वैसे सबके इंटरेस्टिंग तो अभी तक लग रहे चेहरे, आधे पे तो हमने पहुंच चुके हैं, और डरो तुम लोगों को 30 सेकंड का प्रेजेंटेशन भी है, बजट नेटवर्किंग कम्युनिटी बहुत जरूरी था। कितने रूरल एरिया थे, कितने छोटे मोटे जगह शहर है, जो छोटे शहर है या छोटे गांव है, जहां पे कोई जाने नहीं देता है, इधर कम मतलब पता ही नहीं कैसी कोई चीज होती नहीं उनको, और एक्चुअली उनके कितने लाखों के बिजनेस हो सकते थे जो किसी ने ध्यान नहीं दिया। बजट कम्युनिटी इसमें वो होगा कि बहुत ही कम प्राइस में स्पेशली जो स्टार्टअप्स है या जो रूरल एरियाज में उनको टारगेट किया जाएगा, वहां पर कम्युनिटीज ओपन की जाएगी, बहुत कम प्राइसिंग में होगा, ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस होगा कि उनको बताया जाए सिखाया जाए कैसे करना है, और उनको भी ऑप्शन दिए जाएंगे, हैंड होल्डिंग ज्यादा होगी। देखा जाता है HRI कम्युनिटी, मैं जब भी नए खड़े होता है मैंने वो गरीब वाला टैग लगा देते थे, मैं अलग अभी मैं SPA में भी हूँ और चेयरमैन हूँ, तो वो दोनों साइड पूरा लगा हो नीचे से ऊपर तक था, मैंने बोला ना सबको कवर करेंगे किसी को छोड़ेंगे नहीं। HRI क्या होता है, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, अपने लखपति करोड़पति लोग, ये ग्रुप खाली होने के लिए है, उनको छोड़ दिया, इसमें एकदम ही हाई फाई लोग होंगे खाली, और चलाने वाले भी वैसी टीम होगी जिनको मतलब खाली नेटवर्किंग एकदम बड़े बड़े लोगों से करनी है, वो कोई भी हो सकते हैं, वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं, ये बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो कोई इसमें ये नहीं है, एनीवन कैन जॉइन, बट ये है। और ये फ्यूजन फॉर्मेट में चलेगा, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स पे चलने वाला है। स्टार्टअप टू इन्वेस्टर्स कम्युनिटी, अब ये भी इंटरेस्टिंग चीज है, ये थी तो 13-14 साल तक ने इंडिया में लोगों को अभी समझा, अभी अगर सिंपलीफाई करके बताने जाओ, आपने शार्क टैंक इंडिया किसने देखा है, किसने, उसमें क्या होता है कि जिनके पास आइडियाज है बिजनेस, जिनके ऑलरेडी थोड़े फ्लो में है, ठीक है, उनको वो लोग पिच करते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को, और वो लोग उनको सपोर्ट करते हैं जिनको उनको करना होता है कि मेरे को लगता है बिजनेस आगे बढ़ेगा, चलो वो तो बड़ा फॉर्मेट है उसमें कुछ ही लोग जा सकते हैं, इसमें तो वो भी नहीं जो एकदम भी स्टार्टअप वाले जो स्टार्ट किए। महीने में एक हमारा इवेंट होगा जहाँ पे इन्वेस्टर्स हम लोग हमारे पहचान से बुलाएंगे, नेक्स्ट टीम अपने हिसाब से इन्वेस्टर्स बुलाएंगे, और ये जो कितने एक जो टीम में एड अप हो रहे हैं उनको मौका मिलेगा उधर पे पिचिंग करने का कि भाई हम ये बिजनेस कर रहे हैं, इतना हमें फंडिंग की, इतना इक्विटी हम लोग देने को तैयार है, या इतना रिटर्न देने के लिए तैयार है। अभी एक्चुअली बहुत अजीब चीज है, लेकिन इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, कितने लोग जो बेचारे 10-10 साल स्ट्रगल करके छोड़ दिए ना, वो अब वो ऐसा नहीं होगा, ये हर एक जगह पे वी विल बी स्टार्टिंग दिस, ठीक है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा बाकायदा दोनों साइड पे, ताकि कंपनी को भी कल को ऐसा नहीं हो कि भाई हमने इन्वेस्ट कर दिया ये हो गया कि अपनी आंख खुली रखनी करो, बट इससे बहुत सारी लाइफ चेंज होगी। इसमें नेटवर्किंग से ज्यादा टारगेट ये रहेगा कि स्टार्टअप को फंडिंग मिले, मतलब समझो भी हम 40 लोग बैठे हैं और 5 एकदम बिग शॉट लोग मैंने बुला लिए, और वो लोग आके पूरे 40 लोग या 30 लोग या 20 लोग का सुन रहे हैं, और उसमें से होकर उन्हें 10 लोग को फंडिंग कर दी, पार्टनरशिप में निकल पड़ी ना दोनों की, तो दिस इज द ब्रिज बोलते समय, लेकिन एक रियलिटी है कि हमारी आज भी कंट्री में औरतों को मिक्सअप होने के लिए लोग नहीं अलाउ करते, जज्बा होता है लेकिन बोलते नहीं, बाहर नहीं अलाउड है, नहीं जेंट्स और लेडीज मिलना अलाउड नहीं, जो कि खराब सोच है, लेकिन अब है तो है, लेकिन अब वो सोच को हम बोलते ना जब बदली जाएगी नहीं जाएगी वो आगे की बात है, लेकिन अभी हम ऐसा क्या कर सकते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि औरतें आती है और 2-4 लोगों के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता है तो वो बहुत ऑड हो जाता है, वो पीछे हटने लग जाती है, मतलब वेरियस फैक्टर्स है, तो हम एक कम्युनिटी ऐसी बनाएंगे जो कंप्लीटली वुमेन्स ही उसमें रहेंगे, फुल औरतों की ही कम्युनिटी होगी, दिस विल बी ऑल वुमेन ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वुमेन मेंबर्स, इन इट सम वुमेन फेस इश्यूज इन मिक्स क्राउड और हैव रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम देयर फैमिली और हैव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट आर स्पेसिफिकली फॉर वुमेन, ये भी रीजन है, जरूरी नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो,
हो सकता है उसका प्रोडक्ट वुमेन बेस्ड भी हो कि भाई बाकी लोग वैसे भी खरीद नहीं सकते, आप प्रमोट नहीं कर सकते, सो दिस कम्युनिटी वुड बी हेल्पफुल फॉर देम, तो ये भी बनाया जाएगा. गोल स्पेसिफिक कम्युनिटी, अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा. दिस विल बी लाइक क्लब्स, क्लब देखे आपने, छोटे मोटे क्लब होते हैं. क्लब में क्या होता है कि वेर पीपल विथ कॉमन गोल सच एज हेल्थ, समझो सबको 50 लोग आगे इनको हेल्थ ठीक करनी होगी, या उनका गोल है करियर या कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा, विल कम टुगेदर टू सपोर्ट ईच अदर बाय पुशिंग म्यूचुअल सपोर्ट रिसोर्सेज अकाउंटेबिलिटी एंड पर्सपेक्टिव्स. अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि भाई अगर कोई इसमें से नहीं कर रहा है तो हम बाकी लोग पुश करें, तेरा हुआ कितना आज का, ये किया क्या, होते हैं ये होते हैं इंडिया में बहुत कम लोग मालूम है, लेकिन क्यों आदत नहीं मुझे बोलने को है, जब भी कुछ बोलता हूं तो मैंने रुका ही देता हूं. सो गाइस ये थोड़ा समझने को टाइम जाएगा, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज है क्योंकि गोल स्पेसिफिक है, मतलब एक ही कैटेगरी को लेकर वो सारे लोग इंटरेस्टेड है, इट्स मोर ऑफ अ क्लब टाइप, समझ रहे हो, और उसमें मतलब बहुत माइनर फीस होगी, खाली उनको मतलब साथ में आते रहेंगे वो गोल के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे. आई थिंक पराग जी कैन रिलेट मच ऑन दिस, वो शायद उस टाइप की कम्युनिटी देखे होंगे. ऑल इन वन पैकेज एओपी कम्युनिटी, अभी ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा डिटेल में जाके. समझो एक ग्रुप में 100 लोग हैं, हर एक की पहचान 150-200 लोग से है, ठीक है, 150-200 लोग से मतलब टोटल वो सरकमफेरेंस कितना हो गया वो टीम का 20,000 लोग 200 से, तो ये लोग क्या करेंगे इसमें ना मीटिंग होगी शीटिंग होगी कुछ नहीं होगा, ये लोग फ्री में अपने पूरे कॉन्टेक्स में एक डिजिटल ऑल इन वन पैकेज कार्ड देंगे. समझो एग्जाम्पल के लिए वनीता जी ने, वनीता जी ने अपने पहचान में 250 लोग हैं, उनको फ्री में डिजिटल कार्ड दे दिया, वो कंपनी पूरा सिस्टम समझाएगी कॉमन ही रहेगा. अब वो कार्ड में ये लिखा है कुछ भी चाहिए तो हेल्पलाइन पे फोन करो, इसी टीम के 3 लोग असाइन रहेंगे जो हेल्पलाइन नंबर संभालेंगे और वो मेल भी संभालेंगे. अब 20,000 लोग को अगर कार्ड जा रहा है वो 100 लोगों से ये बोल के कि कुछ भी रहेगा तो पहले हमको देख करो बाद में मार्केट में जाना, तो कितने काम आने के चांसेस है, बिना मीटिंग लिए बिना कुछ किए बिना कुछ किए मतलब आ रहा है, खाली हमने एक साइकिल डेवलप कर लिया, अब वो किसको जाएगा जो अंदर ग्रुप में लोग उनको ही जाएगा, बट ये ओपन कम्युनिटी है ये भी याद रखना, ये क्लोज नहीं है, ठीक है, तो ये आइडिया पे चलेगा, इसमें तो कुछ ही नहीं करना है, खाली फ्री में कार्ड बांटना है, अब ये तो किसी ने सुना भी नहीं रहेगा ऐसा कुछ, एकदम अलग अलग भर्ती टाइप की नेटवर्किंग के सब फंडे है, और ये चल गया ना तो तूफान चल जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट बेस पे चलेगा ज्यादातर, लेकिन क्योंकि डिजिटल है तो आप कहीं पे भी दे सकते हो. एक चीज पॉइंट याद रखना, ये कार्ड आप अमेरिका में भी दे सकते हो, यूएई में भी दे सकते हो, बाकी वाले को भी दे सकते हो, हैदराबाद में भी दे सकते हो, क्योंकि फ्री है, व्हाट्सएप पे जा सामने वाले को जैसे कार्ड मिलता ना ये नंबर है कुछ भी चीज उसको पहले फोन करके चेक करो भाई के लिए डिजिटल मार्केटिंग की, इस पर भेज दिया मिल गया 3 नंबर पट से हो गया अपना काम. सो ये अपना जो नेचुरल मार्केट है वहां तक हम सबको टच करके काम निकाल के हमें डायरेक्टली देगा इस फॉर्मेट में आके बाउंसर के, समझे. रोड मैप कम्युनिटी, अब अगेन ये एक ऐसा ग्रुप होगा, दिस ग्रुप विल बी बेसिकली ब्रेक बिटवीन एक्सपर्ट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, इट विल हैव 5-10 एक्सपर्ट्स, इसमें कमेटी कमेटी नहीं होगी, इसमें फील्ड के एक्सपर्ट्स लिए जाएंगे और इट विल हैव 5-10 एक्सपर्ट्स फ्रॉम नेक्स्ट टीम हु विल डीपली इन्वॉल्व एंड विल गाइड मेंबर्स ऑन इंडिविजुअल बेसिस अबाउट दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टुवर्ड देयर ग्रोथ इन देयर बिजनेस कैटेगरीज. अभी एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे एसपीएम है खालिद जी है, खालिद जी के पास जाके बैठो तो वो रोड मैप काफी टाइम बना के दे देते हैं कि भाई तुझे इधर तक पहुंचना है तो उसके लिए क्या 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 स्टेप तेरे को करने पड़ेंगे. इसमें क्या होगा, खालिद जी जैसे ही बहुत सारे अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, हो सकते हो गारमेंट्स के बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, तो जो वो टाइप का एक्सपर्ट होगा उसका हैंड होल्ड करेगा, हैंड होल्ड मतलब वो एक्चुअली वीकली लेवल पे ट्रैक करेगा कि वो कहां तक पहुंच रहा है क्या कर रहा है, मतलब उसके गोल तक पहुंचाने के लिए स्पेसिफिकली इसमें मतलब बोलते हैं ना हैंड होल्डिंग ज्यादा होगा, मीटिंग्स का बहुत कम पार्ट रहने वाला है, हमारा टारगेट रहेगा कि उसको उसके गोल तक पहुंचाया जाए, इसमें लोग बहुत कम होंगे, मेंबर कम होंगे, ट्रेडर्स ज्यादा होंगे, इसकी फीस थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि सीधी बात है कि वो हमें एक्सपर्ट ऑन बोर्ड ला के वो चीज करवानी पड़ेगी, लेकिन सीधी बात है अगर तुम्हें हैंड होल्ड करके जो तुम 20 साल में अचीव करने वाले तो 3 साल में कोई करवा दे रहा है तो नथिंग लाइक दैट, मैं तो बोलता हूँ. तो बहुत सारे लोगों को ना हैंड होल्डिंग नहीं है, गाइडेंस नहीं, एक्सपर्ट्स का ट्रेनिंग नहीं मिलता, उसकी वजह से भी वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते, खाली उतने में गोल गोल घूमते रहते हैं 20-30-50-60-70,000 उसके आगे बढ़ते हैं.
coastal community. This is not an advertisement group, confused mat hona, but only for those who are looking to experience the larger picture by doing promotions in each other's natural market via our various formats for the same. This can work greatly for short term or seasonal offers too. Basically, ये माइंडेड रहेगा कि हर कोई दूसरे का प्रमोशन करे, जैसे हम लोग करते भी है, लेकिन उसमें मल्टीपल फॉर्मेट होंगे कि भाई अगर एक का आया सब लोग को करना ही है, तो वो और लार्जर, मतलब खाली अंदर एडवर्टाइजिंग नहीं हो रही है, हम बाहर एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं अपने नेचुरल मार्केट में, उससे ज्यादा कुछ नहीं है. लेकिन अगेन इट्स अ गुड टूल. जो लोग को डिजिटल मार्केटिंग करनी है वो थोड़ा पैसा 20% काट के इसमें लगाया उतना ज्यादा अच्छे से उसको फायदा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पहचान मालूम हो जाता है. अगेन देखो, सिंपल ग्रुप्स रखने का फंडा क्या मालूम है, इट अट्रैक्ट्स पीपल, इट इन्वॉल्व्स पीपल, वो सबको ऑन बोर्ड लाना शुरू करता है जिनको एक पता ही इसका फंडा क्या है. अब 10 बार बोला उन लोग आए लेकिन उनको पता ही क्या जबरदस्त चीज है ये, तो इसमें से एक में भी अगर आता है ना तो उसका इंटरेस्ट बाकी बाकी में भी आइडिया लगने लगता है कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी होता है. अल्टरनेट करियर ऑप्शंस ACO कम्युनिटी. This would be specially for those entrepreneurs or networkers who are either giving or seeking new opportunities of businesses. पहली बात, काफी लोग के formats businesses के ऐसे जहां वो अपने अंदर लोगों को करियर दे सकते, कमाने का मौका दे सकते हो. आई थिंक आपका भी है बराबर, आप लोग का भी है, ऐसे बहुत सारे. तो ये उनके लिए बनाया जाएगा जो सीकर्स है, जो कोई ढूंढ रहे हैं कि जॉब चाहिए, कोई ऑल्टरनेट बिजनेस चाहिए, कोई पार्ट टाइम चाहिए, कोई एडिशनल इनकम चाहिए, और मुझे 10 ऑप्शन देखना है कौन सा मुझे जमता है. तो ये उनको कनेक्ट कराने पे ज्यादा फोकस करेगा, मतलब इनको मिल जा रहे हैं बंदे और बंदों को मिल जा रहा है काम, तो ये उस पे ज्यादा, उस फॉर्मेट पे ज्यादा चलने वाला है. और मैं ज्यादा डीपली फॉर्मेट नहीं समझा रहा हूं, तो सुबह हो जाएगी, इसलिए मैं ऊपर ऊपर से जो मेन मेन चीजें उस पे खाली आपको बता रहा हूं. CMD कम्युनिटी, इसमें सिर्फ कंपनी के जो CMD डिसीजन मेकर CEO लेवल पोजिशन होल्डर जो होते हैं कंपनी के, वही अलाउ होंगे. ये बहुत ही भारी कम्युनिटी होने वाली है, जिसमें HNI नहीं, HNI से डिफरेंट थिंग, इसमें जो पोजीशन पे है पूरा डिसीजन मेकर्स कंपनी के जो हाईएस्ट रोल्स पे है खाली वही अलाउड होंगे. एंड मोस्टली इट विल बी इन क्या कहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स में होगा ज्यादातर. ऑफलाइन शायद एक ही होगा पूरे महीने में, ऑनलाइन भी होगा ज्यादातर, बट वो अलग ही लेवल पे चीजों को ले जाने की ताकत रखता है. नेक्स्ट ड्रीम डिजिटल मॉल NDM कम्युनिटी. अब ये क्या है, Next thing would create a digital dynamic web application with virtual shops in a virtual mall. हम एक virtual पूरा mall बना रहे हैं जिसमें virtual shops रखेंगे, जिसमें हम लोग अपने products दिखा सकते हैं. This community would be committed to buy any and everything from this virtual mall. जितने भी लोग loop में आ रहे हैं, इसकी membership member जो shop लिया उसमें उनको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन जो नीचे member बने उनको free रहेगा. क्यों free रहेगा, ताकि वो खरीदे इस पर से. वही पूरा web है पूरा अपने आप में, जो अभी मैं डीपली तो नहीं समझा सकता, लेकिन ऊपर ऊपर का आपको एक आइडिया बैठा रहेगा कि वर्चुअल मॉल है. वन कैन बुक वर्चुअल शॉप इन अ वेरी नेगलिजिबल प्राइसेस ऑन ईयरली बेसिस, कोई खर्चा ही नहीं देता है, लेकिन उसमें हमने अपनी प्रोडक्ट रख दी जिसको खरीदना अंदर से खरीदो, नहीं भी बिका तो बहुत माइनर चार्जेस क्या जाने वाला है. एक मॉल में दुकान लेने में कितना पैसा जाता है, लाखों करोड़ों चले जाते हैं. वर्चुअल मॉल किसी ने सोचा नहीं था कैसा कुछ हो सकता है, और उसमें वर्चुअल शॉप भी हो सकते हैं, और जैसे हम लोग ऑनलाइन खरीदते हैं तो कम्युनिटी की सारी उधर से खरीदी, सिंपल है. खाली उसका एक बोलते हैं अपना एक प्रॉपर ऐप बनाना है उसमें. मेटावर्स जैसा है सेम ही, हां इज इट सिमिलर टू मेटावर्स यू टॉकिंग अबाउट? नो, ऑगमेंटेड रियलिटी AR कम्युनिटी. ये अभी तो फिलहाल एकदम से पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर में डेफिनेटली पॉसिबल होने वाला है. Next thing will introduce world to augmented reality networking options. This would bring the presenter anywhere in the digital format. आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि एक पूरा डिजिटल वे में एक आदमी खड़े होकर बात करता है, एंड एक्चुअली तुम उसको सुन सकते हो जो कि रिकॉर्डेड रहता है उसके साइड से, बराबर, या तो लाइव भी हो सकता है, दोनों चीजें. तो ये मैं थोड़ी फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बोला ना नेक्स्ट थिंग कोई भी चीज छोड़ने वाला नहीं है. तो जब भी जैसे अभी मेटावर्स बन रहा है, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आ रही है मार्केट में, तो ये आने वाले टाइम में ऐसा होगा एक्चुअली वी कैन सी दी पर्सन, और उसका फील अलग होता है, ऑनलाइन का अलग होता है, डायरेक्ट का बहुत ही अलग होता है, लेकिन एटलीस्ट जो बीच में थोड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है, तो हम एक्चुअली रिकॉर्डेड और सामने सामने इसका प्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दी ऑगमेंटेड रियलिटी AR कम्युनिटी के वजह से. ये थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन इसको सोचने के लिए भी हिम्मत चाहिए कहीं ना कहीं, मैं कहूंगा. और ऐसे टूल्स आ रहे हैं
ऐसे ऐप्स आ रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही है जिसकी वजह से ये बहुत इजीली पॉसिबल है आने वाले टाइम में। वर्चुअल रियलिटी वीआर कम्युनिटी, वर्चुअल टूर ऑफ ईच अदर्स ऑफिसेज एंड प्रोडक्ट्स इन प्रॉपर 3D फॉर्मेट कैन गिव अ मोर इन डेप्थ फील ऑफ ईच अदर बैक टू विदाउट ट्रैवलिंग टू स्टेट्स और कंट्रीज। अभी एग्जांपल के लिए आपने ज्वाइन किया उसी ग्रुप में, किसी ने दुबई में ज्वाइन किया ऑनलाइन में, अभी आपको उसका पूरा ऑफिस देखना है, ठीक है। एक टूल रहेगा हमारे तरफ से आने वाले टाइम में जो आपको खरीदना पड़ेगा, एक्चुअली अवेलेबल भी है। वो टूल खरीदने के बाद एक ट्रैकिंग सिस्टम होगा अपने टीम का, जिससे पता चलेगा कि वो बाकी सब लोग, मतलब वो उसके पूरे ऑफिस को घूम के आ रहा है, प्रोडक्ट्स को देख के आ रहा है 3D में। आप लोग देखे वो लगाते हैं हाथ पैर, जैसे पूरा हुआ आप अंदर ऐसा लगता है फील अंदर जाके कर रहे हो, दैट इज दैट काइंड ऑफ थिंग जो पूरा वर्चुअल टूर करा देगा। आपने 5 मिनट में किया, 5 मिनट बाद हो सकता है सिंगापुर के किसी बंदे का देख रहे हो और उनके जो वीडियोस है वो इस पे चढ़ाए जाएंगे यूट्यूब में और उसको आपको उसी एंगल से देखना ताकि आपको एक्चुअली प्रोडक्ट जैसा चीज दिख पाए। तो वो उस लेवल पे जाके सोची गई चीज है। एम्बेसडर्स कम्युनिटी, द कंपनी नीड्स एम्बेसडर्स। बहुत सारे बड़े बड़े नाम है स्पोर्ट्स के, बहुत सारे बड़े बड़े नाम है वेरियस फील्ड्स के, साइंस के, टेक्नोलॉजी के, स्पोर्ट्स के, एंटरटेनमेंट के, जो नेक्स्ट्री को प्रमोट कर सकते हैं और साथ ही साथ नेक्स्ट्री उनकी मदद कर सकता है। तो ऐसे बड़े बड़े नामों को हम लोग ऑन बोर्ड पहली बार लाने वाले हैं, एक एम्बेसडर्स कम्युनिटी बनाएंगे, वो लोग आपस की भी थोड़ी बहुत हेल्प करें और बोलते हैं इस एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल से ये भी बना है, अगर हम देखा जाएगा तो उसी मॉड्यूल से बनाई की चीज है, तो उसको पब्लिक तक लेके जाए ताकि मासेस में इसका मालूम हो कि ऐसी चीजें है, आपको पता नहीं है, टूल ऑलरेडी है। मेरे सर में दर्द हो रहा था 10-15 दिन, मेरे को पता नहीं था यार, पता नहीं था डॉक्टर के पास दवा है, मैं जाता ही नहीं, हम तक जलते रहता, पता नहीं चीज बढ़िया थी। इसलिए लोगों को पता होना बहुत जरूरी की चीजें अवेलेबल है। तो हम लोग एम्बेसडर्स को बड़े बड़े नामों को लेने वाले और जिनको मेरा पुराना प्रोफाइल है उनको ये बहुत क्लियरली मालूम होगा कि मैं एक्चुअली बड़े नामों को लेकर आ रहा हूँ जो बहुत ही एक्साइटिंग होंगे। तो वो एम्बेसडर्स कम्युनिटी भी बनने वाली है। सोशल मीडिया कम्युनिटी, अब ये सबका बाप होगा जब भी लॉन्च होगा। फेसबुक कौन कौन यूज करता है, इंस्टाग्राम कौन कौन यूज करता है, हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे खुद की नेक्स्ट टीम की जिसपे हर कोई ज्वाइन हो सकेगा जैसे फेसबुक पे होते हैं, लेकिन टाइम पास के लिए नहीं, फालतू के लिए नहीं, टाइम वेस्ट के लिए नहीं, सिर्फ बिजनेस के लिए। कोई भी किसी से कनेक्ट हो पाएगा, उसकी छोटी सी फीस होगी, बहुत ही छोटी, ना के बराबर, लेकिन उस पर लोग आएंगे, सीरियस लोग ही आएंगे और सिर्फ सोशल मीडिया से नेटवर्किंग ही करेंगे। कोई मीटिंग नहीं, कोई फंडा नहीं, कोई ग्रुप नहीं, कुछ नहीं, सीधा ओपनली लॉग इन करो, अकाउंट बनाओ, छोटा सा पेमेंट करो, सीधा आप उसमें एंटर कर दिए। तो ये अभी तक की थोड़ी सोची हुई चीजें हैं और इसको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरा के पूरा सब एक साथ हो जाने वाला है। जैसे मैंने कहा कि हमने 2 ग्रुप लॉन्च किए हैं और बाकी के हम लोग अभी करने भी वाले आगे बहुत जल्दी। देखिए करते हैं सम स्पेशल फीचर्स ऑफ नेक्स्ट्रीम, जो थोड़ा याद दिला दूं, नेक्स्ट्रीम विल रन इन मोस्टली डिजिटल फॉर्मेट, ये याद रखना, ये डिजिटल फॉर्मेट में ज्यादातर चलने वाला है, ऑफलाइन पे बहुत ही कम चलने वाला है। गिविंग इजी एंड लार्जर सर्कमफेरेंस ऑफ नेटवर्किंग एक्सेसिबिलिटी, ये ज्यादा बड़ा सर्कमफेरेंस देने को बिलीव करता है, इसलिए उसमें मैक्सिमम उसके जो फॉर्मेट से इक्का दुक्का छोड़ के सब पे ओपन मार्केट की तरह है, मतलब एक्सक्लूसिव वाला पंडा नहीं है प्रोफाइल का। दूसरा नेक्स्ट्रीम फॉर्मेट जो मैंने ऑलरेडी कहा कि ओपन मार्केट सिस्टम पे चलेगा, इट्स अ काइंड ऑफ ओपन थिंग, जिसको आना है जो आएगा वो पाएगा, सिंपल वाला है, जो सोया रहेगा वो सोया रहेगा, जो सोएगा वो खोएगा, सिंपल है। ऑल इन वन पैकेज फॉर्मेट जो मैंने बीच में बताया जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर वो चल गई तो इट कैन वर्क वंडर्स। नेक्स्ट्रीम मेंबरशिप कंपनी की रहेगी, कम्युनिटी की नहीं, ये बहुत अजीब सा चीज है। दिस मींस वन कैन कीप स्विचिंग कम्युनिटीज एनी नंबर ऑफ टाइम एज पर देयर कन्वीनियंस। आप एक ग्रुप में ज्वाइन हो गए, हम जो ग्रैंडियोस में ज्वाइन हो गए, ऑनलाइन ग्रुप है, 4 महीने बाद आपको लगता है कि दूसरा ऑनलाइन ग्रुप में मुझे स्विच मारना है, किसी से परमिशन नहीं लेनी, आपको एक लेटर डालना है, मेल डालना है, खत्म, आपको ऑटोमेटिकली स्विच कर दिया, आपने वहां भी पहचान बना ली, यहां भी बना ली, क्योंकि ओपन ग्रुप है, सब टेंशन चली गई, बिंदास, जितना नेटवर्किंग समुद्र है पूरा, जितना करना है करते चले जाओ। सब्स्टिट्यूट प्रेजेंटेशन ऑप्शन इज वन काउंटेड, एक सब्स्टिट्यूट प्रेजेंटेशन भी अलाउड होगा जो बाकी जगह कहीं पर भी अलाउड नहीं होता। अनलिमिटेड मीट्स कैन बी अटेंडेड, डेली मीट हो रहे हैं नेक्स्ट्रीम के अलग अलग जगह, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी घुस जाओ, क्योंकि हमने कंपनी की मेंबरशिप ली है, टीम की नहीं ली है, ओपन मार्केट की तरह है, लेकिन जो क्लोज ग्रुप है एक का दुख का उसमें एंट्री नहीं है, 99% ग्रुप में तो एंट्री ओपन है।
Option to attend or not attend is open category rules. No termination due to non-attendance. No, whatever you say. क्या आओ नहीं आओ लेकिन इस टाइम खुश नहीं होना पैसे भरते रहने पड़ेंगे भर दिया आप नहीं आ सकते तुम्हारी गलती जिसमें आ रहा है आओ जिसमें नहीं आ रहा मतलब खुला छोड़ दिया है पूरा समुंदर दे दिया जिसमें जहाँ पे जहाँ ढूंढना जिस डायरेक्शन में जाना चले जाओ देखो जो एक्सक्लूसिव ग्रुप है उनके अलग फायदे हैं अलग ही लेवल के फायदे इसके तो फायदे अलग ही लेवल के मैं बोल रहा हूँ दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते और करना चाहिए भी नहीं क्योंकि दोनों सेम चीज है ही नहीं दोनों अलग चीज है Joining charges of Nextream, जो पहला ग्रुप हमारा ऑनलाइन वाला आया है Grandiose, उसका साल का जो फीस है 10,000 होने वाला है पूरे साल का और उसमें कोई लिमिट नहीं होगा कम्युनिटी होगी 150-200 लोग का ग्रुप बनेगा कोई मंथली भी लेना चाहता है किसी के पैसे नहीं है तो उसमें मंथली भी अलाउ होगा ज्वाइनिंग ₹1,000 मंथली पे कोई भी ज्वाइन कर सकता है उस ग्रुप को अभी लॉन्च में 30 जून तक हम लोग उसको 50% डिस्काउंट पर रखेंगे ताकि 500 मंथली पे भी कोई जुड़ना चाहता है तो इजीली कोई भी आके एंट्री करके चेक कर सके कि किस तरीके से चीजें चल रही है दूसरा ऑफलाइन ग्रुप है जो रेडियंस है जो स्टार्ट हो रहा है उसकी फीस होगी साल की 20,000 मतलब महीने का अगर कोई करने जाता है तो थोड़ा हायर प्राइस होता है मंथली 2,000 होगा लेकिन उसमें भी ₹1,000 हम लोग ने अभी वेव ऑफ किया हुआ है जून 30 तारीख तक मतलब कोई भी मंथली 1,000 की भर तक कोई एक साथ देने के पैसे नहीं है तो ही कैन जॉइन इट बोथ आर ओपन प्लेटफॉर्म्स एक्सक्लूसिव एंट्री नहीं मिलेगी पहले ही बता दे रहा हूं ये मत बोलना कि भाई मेरा ये प्रोफाइल उसका भी ये है लोग अंदर आके चार चार छह छह प्रोफाइल भी प्रमोट करने वाले हैं इट्स अ काइंड ऑफ ओपन थिंग लेकिन ये है कि इतने सारे लोग इतनी सारी चीज कर रहे थे सबको मिलना ही है जैसे कहा कि कम्युनिटी है ग्रुप्स नहीं है इंट्रोडक्टरी ऑफर मैंने बता दिया दोनों में 50% डिस्काउंट है करियर विद नेक्स्ट्रीम अभी ये अलग थोड़ा चीज है कि नेक्स्ट्रीम में आप एजेंसी पार्टनर बन सकते हो हमारे साथ टीम बनाने की शुरू करो कंपनी आपको अच्छी परसेंटेजेस देगी टीम बनाने के लिए जैसे एग्जांपल के लिए जैसे हमारा ओपन ग्रुप है उसमें जो प्रेसिडेंट है जो पूरा संभाल रहा है जो भी पूरा केयर टेकर है 10% ऑफ द प्रॉफिट विल गो टू हिम 30% जो भी मेंबर ला रहा है समझो आपने दो मेंबर ला दिए 20,000 के सीधा आपका उसका 30% कितना हुआ 6,000 सीधा आपके अकाउंट तो लोगों को नौकरी भी काम भी अल्टरनेट करियर भी नेक्स्ट्रीम से मिल रहा है नेक्स्ट्रीम ज्यादातर फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पे चलेगा जो हमारे सेट फॉर्मेट के ग्रुप्स होते हैं उसका मॉड्यूल अलग होता है उसमें पेड लोग रखे जाते हैं ज्यादातर उसमें ये सब नहीं होता है मतलब प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप से चलेगा फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पे चलने वाला तो बहुत सारे लोगों को जिनको काम नहीं है तो और पूरा ग्रुप भी संभालना है खाली ऐड करना है ऐड संभालने के लिए दूसरे किसी को रखा अगर कोई आदमी ने थोड़ी मेहनत करके 5 लोग भी ऐड कर दिए किसी भी ग्रुप में एक्सप्लेन किया तो 6,000 × 5 करोड़ का 30,000 क्या खराब है साइड इनकम अगर आ रही हो तो ये भी बहुत बड़ा करियर ऑप्शन जिनके पास काम नहीं है एक पार्ट टाइम घर पे बैठ के या जैसे भी लोगों को काम भी लोगों को दे दिया बिकम इन्वेस्टर ऑफ एक्सप्लेन नेक्स्ट वीक में इंटरनेशनली लेके जाने वाला हूं कोई भी या किसी के पहचान में भी अगर कोई उसका इन्वेस्टर बोर्ड बनाना चाहता है या कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है तो उसको गारंटीड गुड रिटर्न्स मिलेंगे कमिंग 4 इयर्स का हम लोग का प्लान है उसमें 4 इयर्स में उसको गारंटी देखो गारंटीड रिटर्न्स मिलते तो कम मिलते हैं हाई मिलते तो नॉन गारंटीड मिलते हैं दोनों चीज बता दे रहा हूँ यहाँ पे डिसेंट अच्छा खासा मिलेगा और गारंटीड मिलेगा लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा कोई भी 10,000 से भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है 10 लाख की भी कर सकता है एंड वो इन्वेस्टमेंट पे कंपनी आगे जाने वाली वो नहीं भी मिला तो मैं आगे लेके चले आऊंगा मेरे को उसकी जरूरत मतलब ऐसा नहीं कि वो आएगा तो ही होने वाला है लेकिन अगर आया तो फास्ट है और ये भी है कि जो लोग हमारे ऑलरेडी सब फील्ड में बैठे हैं उनके लिए भी कमाई का एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि कंपनी अपफ्रंट 3% देने वाली जो भी इन्वेस्टमेंट उठाने वाला है जितने भी बड़े कंपनी बने वो इन्वेस्टर्स पे ही बने और इन्वेस्टर्स पे क्या चलता है मालूम है क्रेडिबिलिटी पे चलता है और मुझे नहीं लगता जहां मेरा नाम रख दिया था क्रेडिबिलिटी का कोई ऊपर नीचे इशू आने चाहिए That is one more option कि जब वो लोग अच्छा अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं, they can become investor, investor board में आ सकते हैं next week के। Infinity module पे चलते हैं सारे formats, any more formats अगर इससे ज़्यादा भी कोई format अगर आ गया है, last के 10 मिनट ही बचे, तो थोड़ा ध्यान बांधे रखिए। Any more formats that will be good for humanity will be definitely added to the infinite list of next week international formats for supporting entrepreneurs। मतलब इसके आगे और भी कुछ आइडियाज अगर आते हैं तो हम लोग उसको ऐड करने वाले हैं नेक्स्ट टीम में कल को आप उठ के बोल दो सर ये ऐसा ऐसा किया जा सकता है क्या
जैसे समझो मैंने केरला में एक ग्रुप खोला और वो लोग कहते हैं कि हमें आपके ये मॉड्यूल्स में से नहीं चलना है, हमें अपना एक सेपरेट मॉड्यूल बनाना है, उसको अलाउ कर दिया जाए, उल्टा वो मॉड्यूल पे हमारे इसमें ऐड कर दिया जाए। आर यू गेटिंग इट? कि कोई रोकथाम नहीं है यार, दुनिया बढ़ रही है, चीजें फैल रही है, हमें अपने अपने माइंड को क्यों रोक के रखना है एक ही दो चीजों पर? तो अगर और नए फॉर्मेट आए तो वो अलाउ किए जाएंगे। ऑल दिस फॉर्मेट बहुत ध्यान से देखो, together realizes everyone that Nextstream is not just a business platform but an entire, देखा जाए तो सिर्फ business platform नहीं, इसमें तो पूरी एक अलग ही चीज बना दी, सब कुछ डाल दिया, तो छोड़ा ही नहीं। अब हमने इसको लिखा है कि सारे फॉर्मेट जब एक साथ आते हैं तो सिर्फ एक business platform नहीं रह गया, वो बनता है NSEU, नावेश शेख एक्सटेंडेड यूनिवर्स। नहीं नहीं यार, लेकिन नावेश शेख खुद की नहीं सोचता है, इस चीज में तुम्हें फेमस हूं थोड़ा, बराबर? चलो मैं मेरे नाम से कोई चीज नहीं बनाऊंगा कभी, ये क्लियर है। तो क्या है फिर नावेश शेख एक्सटेंडेड यूनिवर्स तो नहीं लग रहा है? किस चीज पे मैं चलता हूँ एक वर्ड पे जो मैं हमेशा बहुत ज्यादा कहता हूँ, Nextstream Social Entrepreneurs Universe। आप लोगों ने दुनिया में MCU सुना, DCEU सुना होगा, NSEU, जो भी बिजनेस के लिए आइडियाज आएगी, जो भी कुछ होगा वो इसमें ऐड किया जाएगा। ये किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कंपनी या किसी भी चीज से बहुत आगे की चीजें, अपने आप में बिजनेसमैन के लिए यूनिवर्स बनने वाला है, जिसमें खुद की सोशल मीडिया की साइट से लेके हर एक जो सोची जा सकती चीजें लाई जा रही है एक सिंगल प्लेटफॉर्म, मतलब एक स्टैंडर्डाइज थी, एक पूरा बोलते ओपन रख दिया है, इनफाइनाइट मॉड्यूल्स लाके रख दिए सामने, एंड एवरीवन बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस बिजनेस यूनिवर्स विल बी कॉल्ड एज। आज मैं दुनिया को एक नया नाम देने जा रहा हूं जो अभी तक इस दुनिया में नाम बना ही नहीं था। मेरी बहन, मेरी सिस्टर हमेशा कहती थी मुझे बचपन से, क्योंकि मैं वीडियो गेम खेलता था ना, इतना खेलता था कि उसका आईसी उड़ जाता था कुछ महीनों में, वो ऐसा मतलब बोलते ना बाप है कि इतना ये बंदे का मजाक है, कॉमिक्स पढ़ता तो इतना पढ़ता था जिसकी हद नहीं, हर एक चीज जो मैंने किया वो एक्सट्रीम जाती है। ऐसे लोगों को एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब हमने नेकी का ने लिया है, नेटवर्किंग का ने लिया है, या फिर नेक्स्ट जो भी अच्छा करने वाले है, तो आज दुनिया के हम लोग सब पहले, हम तो इस रूम में बैठे है वो पहली बार कहलाए जाने वाले हैं नेक्स्ट टेबल। ये वर्ड इस दुनिया में है ही नहीं, गूगल पर भी जाके देख लो, ये खुद का बनाया हुआ है कि एक्सट्रीमिस्ट हो लेकिन अच्छे काम, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों को अपलिफ्ट करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि हम उसके टार्गेट के वर्ड्स को नेकी से जोड़ सकते हैं, नेटवर्किंग से जोड़ सकते हैं, और जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं उसे जोड़ सकते हैं, तो वो उसका मिलाप है कहीं ना कहीं। तो हम सब जो लोग अच्छा करेंगे इन बिजनेस में आके, वो नेक्स्ट इंडस्ट्री कहलाए जाएंगे। तो ये आज हम सब प्राउड होना चाहिए कि वी आर द फर्स्ट वंस जो हम इस चीज को आगे लेके, इसका डंडा लेके आगे चलने वाले हैं। तभी गूगल में ऐड हो जाएगा ना? कर दे, हाँ हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अभी सी, अभी 7:08 हुए, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इधर आए हैं तो हमारी पहली छोटी सी मीटिंग टाइम भी हो जाए, ज्यादा नहीं 30 सेकंड ही सबको मिलेगा, जो नए हैं 30 सेकंड में बेल बज जाती है वहां पे, एक क्विक राउंड होगा, रेफरल राउंड शायद वी विल नॉट डू, ठीक है? उसके बाद में 2-4 अपॉइंटमेंट्स हैं, वी विल एंड अप द मीटिंग। खाली मैं एक चीज ये खत्म करने के पहले, मतलब ये जो राउंड शुरू करने के पहले पूछना चाहूंगा, अच्छा या बुरा? बुरा बोला तो मेरे इधर ऑफिस रूम है बॉडीगार्ड पीछे और सब बात जानते, मेरा थोड़ा अच्छी पहचान भी रही है हल्की फुल्की, है ना? तो बुराई नहीं बोला, सोचना थोड़ा मजाक कर रहा, लेकिन गाइस आई जस्ट वांट अ रिव्यू, सिर्फ तारीफ किया ऐसे, अच्छा ये बुराई की बात नहीं है। व्हाट डिड यू फील? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कुछ नया है, बुलंदी बेसिकली। वो रेफरल प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं ऑनेस्टली कहूं वो बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारी चीजें ट्राई होने वाली बिजनेसमैन को सपोर्ट करने के लिए। So we need to understand, इसलिए उसमें infinite word use किया गया, unlimited word use किया गया, कि हमें, मैं बोलता हूँ freedom बहुत believer हूँ, मुझे कोई बांध के रख लिया तो चलेगा नहीं,
आई वॉन्ट पीपल के भाई वो लोग आए और ये इनके लिए बनाएगा मालूम है, अगर बहुत सोचा जाए ना, जो 140,000 तो प्लेटफॉर्म पे है वो है, जो बेचारे 140 करोड़ नहीं है, जो इतने ब्यूटीफुली इस पे आके कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, जो घर से नहीं निकल सकता वो हमारे ऑनलाइन ग्रुप में आ सकता है, जिसको ऑनलाइन में आने का मौका नहीं मिल रहा है, घर वाले लोग नहीं अलाउ कर रहे, वो एडवर्टाइजिंग ग्रुप में आ सकता है, प्रोमो पोस्टर ग्रुप में आ सकता है, जिनके घर पर रिस्ट्रिक्शन से नहीं जा सकते औरत हो वो औरतों के ग्रुप में जा सकता है, जिनको लगता है कि भाई हमें डिसेबल्ड हूँ मैं कैसे हूँ, मेरा किसी ने एसिड मार दिया फेस पे, किसी नहीं कर दिया और लग रहा है, या कोई ट्रांसजेंडर है कुछ भी है, तो उनके लिए भी स्पेशल ग्रुप है, किसी के पैसे नहीं है सपोर्ट ग्रुप है। आगे फ्यूचरिस्टिक में देखा जाए तो सारा ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को लेकर भी हमने ग्रुप सोच के रखे हैं, मतलब दैट इज एक्चुअली हाइप्स, कितनी सारी चीजें एम्बेसडर कम्युनिटी से लेके HNI से लेके छोटे बड़े सब कुछ, जो भी चीजें सोची जा सकती थी और सोची जा सकती आगे भी है, विल बी गेटिंग इनटू इट, जो बिजनेस मॉल का वर्चुअल कॉन्सेप्ट है दैट्स सच एन अमेजिंग थिंग, सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो मुझे अभी याद भी नहीं आ रही है, बट आई एम जस्ट गिविंग माय बेस्ट, मुझे इसका फ्यूचर नहीं पता, आई डोंट नो, बट मुझे ये पता है कि कितने फॉर्मेट चले या नहीं चले, दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज हिट, सुपर हिट ये होने ही वाला है, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि दुनिया को इसकी जरूरत है, मैंने पहले स्लाइड में डाला था, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, लोगों को जरूरत है, वो आ नहीं पा रहे कुछ रीजन है, वो रीजन को पकड़ के उसके सॉल्यूशन को लेके वो सारी चीजें बनाते चले गए, और इसलिए अब सारे लोग उसमें ऐड होते चले जाएंगे। मैं वापस एक चीज रीट्रेट कर दूं, जो स्टैंडर्डाइज्ड ग्रुप चल रहे मार्केट में इंक्लूडिंग एसके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो अलग ही है, वो एक्सक्लूसिव है, ये जो है ये बिजनेस सपोर्ट की तरह है ज्यादातर, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। और मैं वापस कह रहा हूं जो मैंने पहले स्टेटमेंट कहा था कि जो क्लोज ग्रुप होते हैं, जो सिंगल प्रोफाइल ग्रुप होते हैं, उसमें एसपीए का हाथ कभी कोई नहीं पकड़ता है, लेकिन जहां जहां पे उसके बाहर की सारी चीजें हैं उसमें नेक्स्ट का हाथ कोई नहीं पकड़ता है, ये दोनों चीज है, इसमें तो वैसे भी कॉम्पिटिशन भी नहीं है, क्योंकि अपने खुद के दिमाग से बनाई हुई चीज है कहीं ना कहीं। सो गाइस आई होप यू फेल्ट गुड एंड वी विल रन थ्रू 30 seconds, बोलते ना, और क्योंकि नेक्स्ट वीक की मीटिंग है तो आप अपने छुपे हुए जो 4-5 बिजनेस है वो क्या बोल सकते हो, बोल सकते हो बिना शर्माए, कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन 30 seconds में बेल बजेगा, क्योंकि लॉन्च के अलावा भी मैंने सोचा कि सब लोग आ रहे थे तो फायदा हो जाए सबका, सबके प्रोफाइल तो सबको एटलीस्ट मालूम पड़ जाएगा, है ना। इसके बाद में हमारी कमेटी जो 2-4 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दस दिया जाएगा एंड देन वी विल वाइंड अप। आई होप कि ये जो शुरुआत थी इसमें आप सब लोग पूरा सपोर्ट करोगे, क्योंकि ये भी पब्लिक के लिए किया जा रहा है, एंड अगर इसको पूरा डीपली स्टडी करें तो उसका फ्यूचर आपको मुझे उसका अंदाजा लग जाएगा। सो वी स्टार्ट विद द 30-second प्रेजेंटेशन, आपको ये सारी चीजें हैं जो आप बोल सकते हो, तो पता नहीं इतनी सारी चीजें कैसे बोलोगे 30 सेकंड में, लेकिन बोल देना। आप अपना नाम बोल सकते हो, प्रोफाइल बोल सकते हो, फट से नंबर बोल सकते हो, और 30 सेकंड बैल बैठने का बोलते मत चले आना, फिर गो इट क्विक। थैंक यू गाइस, थैंक यू बहुत। जिनको समझा और उनको भी टाइम, जिनको नहीं समझा उनको ताली बजा रहे, बिकॉज दे आर माय गुड फ्रेंड्स, बट आई होप कि इसमें हम लोग सब मिलकर आगे तेजी से पूरी तरह से बढ़ना शुरू करें। थैंक यू। तो कहां से शुरू करें, आप किसी भी लैंग्वेज में बोलिए, और एक ही बिजनेस बोलना ऐसा नहीं है, जितना बोल रहे हो बोलते जाओ, ये बेल बजेगी तो आपको स्टॉप करना है। लेट्स स्टार्ट, नोट डाउन कीजिए मोबाइल पे या हाय, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर शुभांगी अदाटे, मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, लैप्रोस्कोपी सर्जरीज करती हूँ, नवी मुंबई की पहली कॉस्मेटिक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, डायरेक्टर ऑफ ऑर्नेट हॉस्पिटल। मेरा 15 इयर्स इन दिस फील्ड, ऑपरेशन थिएटर फादर एंड नवी मुंबई। माय बिजनेस यूएसपी, थिंक अबाउट एनी एंड एवरी प्रॉब्लम इन अ फीमेल, राइट फ्रॉम 12 साल की लड़की से लेकर 80 साल की लड़की तक, कोई भी इशू हो प्लीज कनेक्ट विद मी। गिव अ 9867041118। गुड इवनिंग, मैं
सुल्तान बेग मैं सोया मेहंदी आर्ट से मैं प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट हूँ और साथ ही साथ मैं